परमेश्वर सब पर नियंत्रण करता है, मैं सहमत हूँ, लेकिन वो आपके निर्णय पर नियंत्रण नहीं करता है। हेलो, वो आपके निर्णय पर नियंत्रण नहीं करता है। आपके निर्णय ने आज आप जो हैं वही तो आपको बनाया है, और आज आप जो निर्णय लेते हैं ये आपको निश्चित करेंगे कि कल आप क्या होगे। आप आशा करें और आप प्रार्थना करें कि आप अच्छे निर्णय ले, भक्तिपूर्ण निर्णय और बुद्धिमत्ता के निर्णय कि क्या पढ़े, क्या काम करना है, किस जगह काम करना है, किससे शादी करनी है। ये सारी चीजें अच्छा है कि आप एक अच्छा निर्णय ले अपने जीवन के बारे में मेरे दोस्तों, क्योंकि आपका निर्णय आपका भविष्य निश्चित करता है। His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He is a mighty King. Master of everything, His name is wonderful, Jesus, my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God is He. Bow down before Him, love and adore Him. His name is wonderful, Jesus. His name is wonderful, everybody. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He is the mighty King, Master of everything. His name. चर्च ऐसी जगह है जहां पर हम उन्हें वो भूख देते हैं। हम लोगों को प्रभु के आशीष के लिए भूखा बनाते हैं, उन्हें ये बताकर कि ये उनके लिए है, प्रभु ने उन्हें ये दिया है, वो पा सकते हैं। प्रभु यही तो चाहता है कि वो उसके लिए भूखे हो जाएं और उसके लिए अपनी भूख को बढ़ाते जाएं। अगर डॉक्टर के पास जाकर कहे मुझे भूख नहीं लगती, वो ये नहीं कहेगा कि चावल के दाम बढ़ गए हैं, प्रभु का धन्यवाद, अभी तुम्हें खाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, शायद आपको एडमिट करके पूरी जांच कर ले, स्कैन कर ले,
और सब कुछ करेंगे क्योंकि वो सोचेंगे कि आपको बड़ी बीमारी है, कोई बड़ी बीमारी है। भूख न लगना तो बीमारी को दर्शाने का एक चिन्ह है शरीर में, और आत्मा में अगर आप परमेश्वर के सबसे उत्तम के लिए भूखे नहीं है, मैं आपको बताऊं ये एक अच्छे आत्मिक जीवन के लिए एक अच्छा चिन्ह नहीं है। पवित्र बने, और मैं आपको बताऊं आप भूखे भी बने परमेश्वर की ओर से सबसे उत्तम पाने के लिए अपने जीवन में। इस नए साल में, आने वाले नए साल में आप इसे अपना मोटो बना ले, इसे आप अपना लक्ष्य बना ले परमेश्वर के लिए, कि आप निश्चय उसे प्रसन्न करने वाले व्यक्ति बन जाए, कि आप वही बने जो उसने आपके लिए योजना रखी है। ये ऐसा नहीं कि मैं संपन्न बनना चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, नहीं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं ऐसा हो जाऊं, परमेश्वर चाहता है कि मैं ऐसे हो जाऊं, और दूसरे किसी तरीके से नहीं चाहता। आमेन। यही मेरा मुद्दा है। मैं आपको बताऊं, मैंने संपन्नता की खोज नहीं की। शायद कोई आपको यह बता दे कि उन्होंने संपन्नता की खोज की है, लेकिन मैंने नहीं की, ये प्रभु का विचार है। देखिए, मुझे बाइबल से मिला है, ठीक है। दूसरा सिद्धांत है, सुन रहे हैं, दूसरा सिद्धांत तो ये है, ये आशीषें आपके मुंह के अंदर रखी नहीं गई हैं, ये आपकी पहुंच में रखी गई हैं। हेलो अब ये महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझनी होगी। वो आपके मुंह में रखी नहीं गई हैं, परमेश्वर उन अंगूरों को लेकर आपके मुंह में ऐसे नहीं ठूस देगा और जबरदस्ती खिलाते हुए नहीं कहेगा इसे खाओ। मैं चाहता हूं कि तुम परमेश्वर की आशीष को पा लो, तुम इसे कैसे छोड़ सकते हो, नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। आप एक छोटे शिशु को ले लो और उसके मुंह में आप बस दूध ऐसे ठूसने की कोशिश करो, अगर वो बच्चा उसे पीना नहीं चाहता तो मैं चुनौती देता हूं आप उसे कभी नहीं पिला पाएंगे। जानते हैं, आपने उसके मुंह में जो कुछ भी रखा है वो सब फेंक देगा। आप जबरदस्ती पिलाएंगे लेकिन इधर उधर से बाहर निकल जाएगा, सब कुछ बाहर आएगा, क्योंकि अगर वो पीना नहीं चाहता है तो वो इसे बिल्कुल नहीं पिएगा। उसे पीने के लिए तैयार करना है और केवल तभी वो इसे पिएगा। और देखिए, इसलिए परमेश्वर इसे हमारे मुंह में जबरदस्ती नहीं रखता है। परमेश्वर इन आशीषों को अपने आप हमारे जीवन में नहीं लाता है कि ये आशीष हम पर लेकर आए और जबरदस्ती करे हमारे मुंह में और गले में, अपने आप हमारे ऊपर डाल दे। आशीषें अपने आप हमारे साथ में नहीं होती हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन सुबह जागते हैं और आशीषित और धनी और ये सब, देखिए इस तरह से नहीं होता है। जानते हैं, आपको इसके बारे में सुनना होगा, इसे लेना होगा, इस पर विश्वास करना होगा, आपको इसकी इच्छा रखनी होगी, इसके बारे में निर्णय लेना होगा, आपको संपन्नता और आशीष के लिए परमेश्वर के तरीके का उपयोग करते जाना होगा, आपको निर्णय लेना होगा कि प्रभु जैसे चाहता है वैसे जिए, कि आप प्रभु की आशीष का आनंद उठाए। ये ऐसे अपने आप नहीं होगा, ये अपने आप ऐसे ही नहीं होता है, ये अपने आप नहीं होगा। कुछ लोगों में ये विचार है, वो कहते हैं खैर अगर प्रभु चाहता है कि मैं अच्छा हो जाऊं, अच्छा हो जाऊंगा, यदि प्रभु चाहता है कि मैं धनी बनूं तो मैं धनी बन जाऊंगा, यदि प्रभु चाहता है कि घर में शांति हो तो मेरे घर में होगी, यदि प्रभु इसे करना चाहे तो ये जरूर हो जाएगा। वो यही कहते हैं, विश्वासी को ये कहते सुना है। आप ऐसे देख रहे हैं कि जैसे आप में से कुछ लोगों ने कहा है अगर प्रभु चाहे ब्रदर तो वो इसे करेगा। अब देखें, एक आदमी प्रचारक से बहस कर रहा था, जानते हैं वह ऐसे विचार वाला था, यदि प्रभु चाहे तो वह इसे जरूर करेगा। आप क्या चाहते कोई बात नहीं, आप क्या सोचते कोई बात नहीं, जो भी प्रभु चाहता है वो उसे जबरदस्ती आपको लाकर देगा। ये इसी तरह से होगा, जो भी प्रभु चाहता है वैसे ही होगा। आप क्या सोचते क्या चाहते इससे फर्क नहीं पड़ेगा, जो प्रभु चाहता है केवल वही होगा। तो प्रचारक उसे जवाब दे रहे थे और फिर आखिर में उसे नहीं समझा पाए और वो प्रचारक के साथ सहमत नहीं था, वो बस प्रचारक के साथ बहस करते जा रहे थे। तो अंत में उन्होंने कहा कि देखो, अगर आप इसे नहीं करना चाहते और परमेश्वर आपसे इसे जबरदस्ती करवाना चाहता है, तो फिर ये कैसे हुआ कि आप 25 साल से चर्च में आए हैं और आपने कभी दशमांश नहीं दिया है? परमेश्वर ने आपको दशमांश देने क्यों नहीं लगाया? इसी बात से पूरी बात खत्म हो गई और वो बहस वहीं पर खत्म हो गई, क्योंकि बात तो यही है कि कोई भी किसी से कोई काम जबरदस्ती नहीं कर सकता, कुछ नहीं करवा सकता, यहां तक कि परमेश्वर भी, कि दशमांश दे या किसी तरह से किसी भी चर्च को कोई पैसा दे या दान दे, जब तक कि वो व्यक्ति निर्णय न ले ले कि मैं इसे करूंगा, क्योंकि ये प्रभु का सिद्धांत है, ये जीने का तरीका है, ये आशीष का तरीका है, ये मेरे लिए अच्छा है, मैं जीवन भर ऐसा ही करूंगा। अगर वो निर्णय ले तो इसे करेगा, नहीं तो फिर नहीं करेगा। जबरदस्ती किसी से नहीं करवा सकते, इसलिए मैं प्रचारकों से कहता हूं, जब भी मैं उनसे बातें करता हूं, लोग नहीं दे रहे हैं इसलिए आप क्यों उन्हें डांटते हैं? आप इसे भूल जाए, वो आपको इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आपने कहा मेरे पास नहीं है।
वो नहीं देंगे क्योंकि आपने कहा कि मुझे चाहिए, वो इसलिए भी नहीं देंगे क्योंकि आपने गरीबी के कपड़े पहने हैं और गरीब दिखते हैं। एक व्यक्ति मेरे लिए खेद कर रहे थे, भाई अगर आप ऐसे कपड़े पहने तो कोई आपको क्या देगा। मैंने कहा दिमाग है तो दो बार आप सोचेंगे, किसी के देने से ही मैं ऐसे कपड़े पहन रहा हूं। लगता है कोई नहीं दे रहा है इसलिए मैं ऐसे परिस्थिति में हूं। वो सोचते हैं यदि यहां पर छेद है, यहां पर छेद है, जूतों में दो छेद हैं और छेद दिखाते वैसे प्रचार करे तो लोगों को खेद होगा, ओ प्रचारक को नई पैंट्स चाहिए, मैं सोचता हूं इन्हें नए जूते चाहिए। क्या आपने इनका जैकेट देखा, यहां से पूरा फटा हुआ था, इन्हें नया चाहिए। और फिर जाकर बोले शायद वो इसे देंगे, ये उन्हें पसंद नहीं आएगा, जल्दी वो निर्णय लेंगे, अगर मुझे कुछ देना है तो उन्हें नहीं दूंगा जिनके पैंट में छेद हैं। लोग ऐसे सोचते हैं। और देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरों के सामने अपने आप को गरीबों से गरीब इस तरह से व्यक्ति दिखाते हैं, इसलिए कि लोगों को खेद हो और वो उन्हें कुछ दे। और मैं उनसे कहता हूं अगर आप सीधा सोचते हैं तो आप इस बात को समझेंगे, जानते हैं वो आपकी ओर देखेंगे और आपको बहुत अच्छे से देखेंगे और प्रभु से कहेंगे प्रभु इनकी मदद करें और आपको छोड़कर जाएंगे। वो जानते हैं आप उनकी मदद नहीं कर पाएंगे, जानते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं कि आप खुद की कैसी मदद कर सकते हैं तो दूसरों की मदद कैसे करेंगे। और जानते हैं कुछ लोग जब विश्वासी बनते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी उनकी जो सोच है पूरी तरह से गड़बड़ा जाती है, वो सही सोच नहीं सकते हैं। तो परमेश्वर किसी से भी कोई जबरदस्ती काम नहीं करवाता है। हाँ, किसी को आप देने नहीं लगा सकते हैं, नहीं। और इसलिए मैं लोगों को देने के बारे में कभी डांटता नहीं कि आपने नहीं दिया है, मैं ये सब कुछ नहीं करता हूं, मैं इस विषय को बिल्कुल नहीं लेता हूं। मैं हमेशा सिखाता हूं कि आप कैसे आशीष पा सकते हैं, आप कैसे प्रभु की आशीष का आनंद उठा सकते हैं, आशीष के लिए सिद्धांत क्या है और आप कैसे जी सकते हैं संपन्नता के जीवन में, कैसे आपका जीवन बेहतर हो सकता है। मैं हमेशा यही प्रचार करता हूं, बाकी चीजों को छोड़ देता हूं क्योंकि उन्हें बेहतर होना है। और बहुत से लोग इसे नहीं समझते हैं, परमेश्वर सारे संसार के ऊपर नियंत्रण करता है, सूरज चांद तारे सब अपनी जगह पर होते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है उसने केवल अपने वचनों से उसे नहीं बनाया लेकिन अपने वचनों से उन्हें संभाले हुए हैं। तो प्रभु नियंत्रण करता, सूरज चांद और तारों को अपनी जगह पर रखता है, परमेश्वर सब पर नियंत्रण करता है, मैं सहमत हूं, लेकिन वो आपके निर्णय पर नियंत्रण नहीं करता है। हेलो, वो आपके निर्णय पर नियंत्रण नहीं करता है। आपके निर्णय ने आज आप जो हैं वही तो आपको बनाया है, और आज आप जो निर्णय लेते हैं ये आपको निश्चित करेंगे कि कल आप क्या होगे। आप आशा करें और आप प्रार्थना करें कि आप अच्छे निर्णय ले, भक्तिपूर्ण निर्णय और बुद्धिमत्ता के निर्णय कि क्या पढ़े, क्या काम करना है, किस जगह काम करना है, किससे शादी करनी है, ये सारी चीजें। अच्छा है कि आप एक अच्छा निर्णय ले अपने जीवन के बारे में मेरे दोस्तों, क्योंकि आपका निर्णय आपका भविष्य निश्चित करता है। कल ये नहीं कहना कि परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसा भविष्य निश्चित किया हुआ है, जानते हैं, नहीं, ऐसे विपत्ति की परिस्थिति में ना आए। खैर भाई, किसी तरह परमेश्वर ने मुझे यहां पर पहुंचाया है, नहीं, परमेश्वर ने आपको वहां नहीं लाया, परमेश्वर के पास आपके लिए हमेशा सबसे उत्तम है। हाँ, और सबसे उत्तम आपके लिए रखा गया और वो आपकी पहुंच में है, आप उसे ले सकते थे, वो आपके मुंह में इसे नहीं रखेगा, आपको निर्णय लेना है कि जाकर इसे ले ले, आपको विश्वास से लेना है, आपको विश्वास से आगे बढ़ना है और इसे लेना है। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेगा आपके लिए कोई निर्णय, वो नहीं लेगा, परमेश्वर इसे आपके लिए नहीं करेगा, आपको खुद अपने लिए इसे करना है प्रभु की मदद से। आमेन। ठीक है, चलिए मैं यहां एक दो बातें और जोड़ दूं इसके बारे में। एक और बात यह है, परमेश्वर की आशीष पाने में आपकी मदद करेंगी ये दो सिद्धांत है। पहला है आशीषें तो केवल पवित्र के लिए नहीं है लेकिन ये तो भूखे के लिए है। ठीक है, सब लोग कहें आशीषें केवल पवित्र के लिए नहीं है पर भूखों के लिए है। अब यहां से बाहर जाने के पहले आप निर्णय ले लें कि आप पवित्र व्यक्ति हैं या फिर भूखे व्यक्ति हैं, जानते हैं। और दूसरी बात, आशीषें परमेश्वर जबरदस्ती आशीष आपके मुंह में नहीं रखेगा, ये आपकी पहुंच में रखे हुए हैं। आमेन। ठीक है, वो क्या है जो हमें ले जाता है कि हम इन आशीषों को पाए। देखिए व्यवस्था विवरण 28:1-14 तक आपको ये सारे वचन देता है, कैसे आप भीतर और बाहर जाते समय आशीष पाएंगे, कैसे जानवर
यानी जानवर बढ़ते चले जाएंगे, खेत में अच्छी उपज होगी, गर्भ के जो फल है वो बढ़ते जाएंगे, और ये सब कैसे प्रभु आपको ऐसी आशीष देगा कि बाकी सब आपको देखेंगे और आपसे डरेंगे। परमेश्वर सही समय पर आपकी जमीन पर बारिश बरसाएगा कि आप उधार नहीं लेंगे लेकिन बहुत सी जातियों को उधार देंगे, आप नीचे नहीं रहेंगे ऊपर रहेंगे, आप पूंछ नहीं लेकिन सिर बनेंगे। ये सारे वचन आते हैं अध्याय 28 वचन 1 से 14 में। लेकिन आशीषों को बताने के पहले वचन 1 और 2 यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वचन 1 और 2 ये कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो प्रभु परमेश्वर यहोवा तुझे सब पृथ्वी की जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे, क्योंकि तूने अपने प्रभु परमेश्वर की बात सुनी है। अब देखिए, आपको अपने मन को निश्चित करना है कि आप प्रभु परमेश्वर की बातों को माने और इसके साथ परमेश्वर की आवाज सुने कि उसकी आज्ञा माने। देखिए कैसे सुनना है। बहुत से लोग संदेश सुनना चाहते हैं, संदेश चाहते हैं क्योंकि रविवार है। संदेश मत सुनिए, मैं संदेश प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं इसमें दिलचस्पी नहीं लेता, ये कहने के लिए माफ करना। संदेश से आपको प्रभावित करना नहीं चाहता हूं, मैं यहां प्रभु का वचन सिखाने के लिए हूं, परमेश्वर के सिद्धांत सिखाने के लिए यहां पर हूं, संदेश प्रचार करने के लिए नहीं। संदेश कभी प्रचार नहीं करता, मैं प्रचार करता हूं परमेश्वर के सिद्धांतों का। जब आप सुनते हैं तो ऐसी मनोदशा से न सुने कि आज का संदेश क्या था, वो कहानी अच्छी थी, वो चुटकुला अच्छा था, ये अच्छा था। नहीं, ये मनोदशा ना हो, आपकी मनोदशा हो ये क्या है, ये सिद्धांत क्या है जो मुझे करना है, समझना है कि मैं उसे पाऊं जो ये प्रतिज्ञा कहती है। कैसे मैं जीऊंगा, तो फिर मैं कैसे जीऊंगा इसकी ज्योति में। हमें ऐसे व्यवहार रखना है, ये सुनने का तरीका है। अगर आप इस तरह से सुनते हैं तो फिर ये सारी आशीषें, देखिए सुनने का ये तरीका है। संदेश सुनना बंद कर दे और सुनना शुरू करे कि आप आज्ञा मानने लगे, इसके अनुसार करने के लिए सुनने लगे, आप सुनने लगे कि आप इसे भीतर ले, इसे घर लेकर जाए और इसी के साथ जीते चले जाए। ऐसे आपको सुनना है। अगर आप ऐसा करें तो फिर ये बाकी सारे वचन और आशीष सच्ची होगी। और एक बात ये कहता है कि परमेश्वर की आशीष आकर आपके ऊपर में छा जाएगी। अब मैं समझ सकता हूं, जब कोई मेरे आगे बढ़ता है इसका मतलब मैं एक रफ्तार से जा रहा हूं और दूसरा व्यक्ति जो आगे बढ़ता है वो ज्यादा रफ्तार में होता है, इसलिए वो आगे बढ़ता है। इसका ये कहने का मतलब है कि अभी आप उन्नति के खास निश्चित ऐसे क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, हर तरह से, यानी धन के क्षेत्र में और दूसरी सभी बातों में एक निश्चित क्रम में बढ़ रहे हैं। लेकिन जब प्रभु की आशीष आती है वो ज्यादा रफ्तार से आती है, और वो आती है तेजी के क्रम में, वो आती है ऐसे क्रम में कि आप चौंक जाएंगे, ये आकर आपसे आगे बढ़ेगी। हेलो, आप कहेंगे मेरे प्रभु मैं यहां पर कैसे पहुंचा, ये इतनी जल्दी कैसे हुआ, सब कैसे काम करने लगा। ये इसलिए क्योंकि ये आकर छा जाता है। आमेन। कितने लोग छा जाने वाली आशीष पर विश्वास करते हैं। दूसरी बात है ज्ञान। होशे 4 कहता है, 4:6 कहता है, ज्ञान के बिना लोग नाश होते। ये नहीं कहता नौकरी के बिना लोग नाश होते हैं, ये नहीं कहता पैसों के बिना नाश होते हैं, ये नहीं कहता देश में अकाल पड़ा इसलिए लोग नाश हुए, नहीं। ये कहता है लोग ज्ञान की कमी के कारण नाश होते हैं, यहां तक कि अकाल में लोग नाश हुए हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आवाज नहीं मानी, वो नहीं जानते थे। ये ज्ञान की समस्या है, बाकी कोई समस्या नहीं है दोस्तों, ज्ञान की समस्या है। ज्ञान ही सफलता की कुंजी है, और बाइबल तो ज्ञान की किताब है। पवित्र बाइबल कहने के बजाय मैं सोचता हूं ये कहना चाहिए सफलता का मैनुअल, तो बहुत से लोग पढ़ने लगेंगे। जबकि नाम है पवित्र बाइबल तो इसे लेते हैं और चूमते हैं और रख देते हैं क्योंकि ये पवित्र बाइबल है। लेकिन अगर इसका नाम हो विनर्स डाइजेस्ट तो वो कहेंगे चलो मैं इसे पढ़ लेता हूं, इसमें क्या है। बाइबल ज्ञान की किताब है, यह आपको अलौकिक ज्ञान देती है। ज्ञान कि आप लहू से धोए गए हैं, परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के वारिस हैं, यीशु के संगी वारिस हैं, आप पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं और स्वर्ग में आपका वकील और मध्यस्थ है यीशु मसीह, जीवित परमेश्वर का पुत्र। वो आपके लिए काम कर रहा है, प्रभु आपका सहायक है, वो आपको न छोड़ेगा न कभी त्यागेगा, आप जीवन में जैवन से भी बढ़कर है। मैंने ये कहां सीखा, ये ज्ञान आया है इससे, आप इसे किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पा सकते। यही ज्ञान है जो आपको इस जीवन में आपको ऊंचाई पर रखेगा, और वही तो आपको इस जीवन में एक सफल व्यक्ति बनाएगा।
प्रभु का धन्यवाद हो साइंस और टेक्नोलॉजी के ज्ञान के बारे में, लेकिन ये ज्ञान तो उससे भी महान है दोस्तों। ये ज्ञान इस बारे में है कि आप कौन हैं, परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया, परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है और आप इसे कैसे पा सकते हैं। ये जरूरी है इस संसार में सफल होने के लिए, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो। आमेन। और फिर देखते चले जाना। तीसरी बात, विजुअलाइजेशन, मैं इसे कहकर संदेश खत्म करूंगा। ये जरूरी है, देखते जाना है आशीषों को, आशीषों को देखते जाएं। इसका मतलब है अगर मन की आंखों से इसे नहीं देख सकते हैं तो भविष्य में इसे आप नहीं देख पाएंगे। यदि आप मन की आंखों से नहीं देख सकते हैं तो भविष्य में इसे नहीं देख पाएंगे। याद है वो स्त्री जो यीशु के पास में आई, जिसे 12 साल से ये लहू बहने की बीमारी थी। वो ये कहते हुए आई कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसके पास में चित्र था कि जाकर यीशु को छू लूंगी और मेरा लहू बहना तुरंत बंद हो जाएगा, मैं चंगी हो जाऊंगी। इसके पास चित्र था कि वो चंगी हो गई। याईर आया, उसने कहा मेरी बेटी बिल्कुल मरने पर है, मरने पर आ चुकी, लेकिन यदि तू आए और तू अपना हाथ उस पर रखे तो वो जीवित रहेगी। उसके पास चित्र था उसे दफनाने का नहीं, उसके पास चित्र था उसके जीने का, क्योंकि यीशु आएगा और उसे छू लेगा तो फर्क आएगा। उसके मन में ये चित्र था, अगर ये आए और ये उसे छू ले तो मेरी बेटी जीवित रहेगी। चित्र था। मैंने यहोशु के बारे में कहा इसके पहले कि यहोशु जाकर यरीहो के शहर को ले ले, प्रभु ने उससे ये कहा, देखो, यहोशु 6:2 कहता है, देखो, वो कहता है देखो, मतलब ये कहे देख लो, क्या देखो, देखो मैंने तुम्हें दिया है घोड़े रथ और उस देश के राजा को, उसकी सेना और राजा को, और यरीहो का शहर तुम्हारे हाथों में दे दिया। प्रभु कहता है जाकर उसे लेने के पहले देखो अपने मन की आंखों से कि राजा तुम्हारे पैरों पर गिर रहा है और सिपाही आपके पैरों पर है और घोड़े और रथ तो तुम्हारे हैं। देखो कि ये नगर तुम्हारा है, इसे देखो, इसे देखते जाओ, इस चित्र को देखो। अगर नहीं देख सकते तो नहीं पा सकते। मन की आंखों से नहीं देख सकते हैं तो भविष्य में आप उसे नहीं देख पाएंगे। स्वयं यीशु ने देखा था। मैं बस इसे आपको दिखाऊंगा फिर संदेश खत्म करेंगे। इब्रानियों 12:2, यीशु ने खुद इसे देखा। इसे गौर से सुनिए। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा। ये कहता है कैसे यीशु ने इतना दुख सहा। सिर पर कांटों का मुकुट, तो यहां पर सिर के जख्मों से खून बहता है, हाथ और पैरों में कीले जड़े हैं तो लहू बहता है, शरीर पर हर जगह बुरी तरह से मारा गया, हल चले खेत के जैसे, यानी हर जगह खून है, वो लहू लुहान हो गया, मतलब दुखों को सहा, वहां बस मांस लटक रहा था। सच में वो कैसे कोई मनुष्य इतने दर्द को सहते हुए वहां पर ऐसे खड़े रह सकता है। उसने इसे कैसे किया इसके बारे में बताते हुए कहता है, उस आनंद के लिए जो उसके सामने धरा था। दूसरे शब्दों में, जब वो दुख उठा रहा था तो वो उस दुख और उस क्रूस की ओर नहीं देख रहा था, वो देख रहा था उस आनंद को। ये किसका आनंद है? ये आनंद की लाखों लाखों भारतीय लोग और दूसरे लोग यीशु पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर की आशीषों को पाते हैं। ये आनंद की बहुत से लोग अनंत जीवन पाते हैं, पुनरुत्थान का आनंद और ऊंचे उठाए जाने का महिमा का आनंद की प्रभु के पास में बैठे। ये आनंद की बहुत ही सुंदर अच्छा भविष्य होगा और संभावना होगी लाखों और लाखों लोगों के लिए। ये आनंद की पूरी मनुष्य जाति को बदलते हुए देख सके छुटकारे के काम के द्वारा। वो आनंद, वो उसके बारे में सोच रहा था। जब उसने उस आनंद के बारे में सोचा जो उसकी मृत्यु के कारण आएगा, तो मृत्यु बहुत छोटी हो गई और ये सारे दुख तो महत्वहीन हो गए। इस तरह दुख उठाया, इस तरह वो खड़े रहा। दूसरे शब्दों में, वो अपनी आंखों के सामने रख रहा था वो आनंद कि ये क्या लेकर आएगा मनुष्य जाति में, ये क्या करेगा जो प्रभु चाहता है उसे पूरा करने में। उसने इसे मन के सामने रखा, क्रूस नहीं, दर्द नहीं, लेकिन उसने आनंद रखा, परिणाम रखे। मैं आपसे कहूं, चाहे आपकी जो भी समस्या हो, विजय को अपनी आंखों के सामने रखते जाए, आनंद को अपने आंखों के सामने रखे, भविष्य महिमामय भविष्य रखे, जीतने वाला भविष्य आंखों के सामने रखे, अपनी आंखों के सामने खुद को विजयी के रूप में रखे और देखे और इसकी कल्पना करे। और मैं आपको बताऊं, वर्तमान के इन सारे दुखों में से आप ऐसे जाएंगे जैसे ये कुछ भी ना हो, ये ऐसे दिखेगा कि बस ये ऐसे ही चला गया है।
कुछ महीने, यहाँ तक कि कुछ साल भी जिसमें परेशानी थी वो कुछ भी नहीं लगेंगे, क्योंकि आपने आनंद रखा और उस विजय और आशीषों को रखा भविष्य के लिए अपनी आंखों के सामने, तो आप वर्तमान के दर्द को महसूस नहीं करेंगे। आमेन। इस तरह आप वारिस बनते हैं, इस तरह आप इसे लेते हैं, इसी तरह से आप वो बनते हैं जो परमेश्वर चाहता है कि आप हो जाएं। Found a friend, oh such a friend, and he made my heart his own. God himself is with me, and I know I'm never alone. Know all my tomorrows will be better than all my hopes. We've got love, grace, peace and power and joy in the Holy Ghost. We've got love like God is never wrong, and he makes stand for me. We got grace, it blew apart my chains and set the sinner free. It's like a river and you'll never run it dry. We got power over fear and death, the hearts filled up with joy. The Holy Spirit fills me up and I need him every day. Fire, faith and confidence and knowing what to say. I gave my heart and all I am to the one who loves me most. We got love, grace, peace and power and joy in the Holy Ghost. We got love like God is never wrong, and he may stand for me. We got grace, it blew apart my chains and set the sinner free. It's like a river and you'll never run it dry. We got power over fear and death and hearts filled up with joy. The Holy Spirit fills me up and I need him every day. Fire, faith and confidence in knowing what to say. I gave my heart and all I am to the one who loves me most. We got love, grace, peace and power and joy in the Holy Ghost. We got love like God is never wrong, he may stand for me. We got grace, it blew apart my chains and set the sinner free. It's like a river and you'll never run it dry. We got power over fear and death and hearts filled up with joy. Oh, we got love, my God is never wrong, he may stand for me. We got grace, it blew apart my chains and set the sinner free.